हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तापसीज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज मैं जो चैलेंज करने वाली हूँ, ठीक है, वो थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी आज मैं ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट है, ठीक है, मतलब ऐसा फूड होता है जो ए से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, तो मैं वो ए टू जेड जो फूड होता है अल्फाबेट की फर्स्ट लेटर से वो मैं खाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, सुबह हो गया था कि बहुत मैंने उठा था जल्दी, लेकिन वो थोड़ा काम था और फिर मैंने नहाया, फिर रेडी होके मैंने अभी बैठी हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट हमारा लेटर है ए, तो ए से मैं खाने वाली हूँ आमंड, ठीक है। तो ये हेल्दी भी होता है, ठीक है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं ये रात को भिगो के रखती हूँ, सुबह खाती हूँ, ठीक है। देख ही सकते हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, तो वो सब मैं भिगो के रखती हूँ, सुबह खाती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते, खाते हैं। तो ज़्यादा तो मैं नहीं खाऊँगी, ठीक है, कि बहुत सारा चीज़ें हैं जो अभी खाना बाकी है, वो सब खाना पड़ेगा। अच्छा ओके, तो चलिए अभी बी, बी फॉर बनाना। बहुत ढूंढ के कल रात में थोड़ा बाहर गई थी, आने में लेट हो गया था, तो कहीं पे भी कोई भी दुकान खुला नहीं था, और कल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था तो सब कुछ बंद था, ठीक है। 11:30 बज गया था आने में, घर आने में, तो जो मिला वही लेके आ गई, क्योंकि ये करना तो पड़ेगा आप लेके लिए। चलिए खाते हैं। वैसे केला मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये अच्छा लगता है मुझे, और इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना। चलिए अभी नेक्स्ट सी से, खत्म ही नहीं होता है। तो नेक्स्ट है सी। सी से मैंने सोचा था कि चॉकलेट मैं खाऊंगी, ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि उसका जो चॉकलेट आता है वो हमारा डेरी मिल्क का ही आता है, तो मैं डी से वो डेरी मिल्क करूंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सी फॉर बहुत, मतलब कुछ बाहर अच्छा कुछ मिला नहीं, तो घर में मेरा ये कोको पाउडर था, कोकोआ पाउडर देख सकते हो। तो ये मैंने मतलब जब मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ, लाइक थोड़ा बहुत केक पेस्ट्री बनाती हूँ, तो यूज़ करती हूँ ये, ठीक है। तो चलिए अभी ये, मतलब कभी मैं केक में मिला के खाती हूँ, लेकिन ये कभी मैंने ऐसा ही ट्राई नहीं किया है। चलिए देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने इधर कट, मतलब इसका जो ढक्कन है उसमें थोड़ा सा डाल लिया है। चलिए अभी ट्राई करते हैं। पाँक, पाँक। पता नहीं कैसा होगा। बहुत कड़वा है, वैसे स्मेल तो अच्छा है, चॉकलेट की तरह आ रहा है, लेकिन बहुत कड़वा है। मैं और नहीं खा सकती। सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? नेक्स्ट है डी। डी से हम खाएंगे ये हमारा डेरी मिल्क। तो कल ही मैंने इसे लेके आई थी, तो चलिए डी से डेरी मिल्क खाते हैं। मतलब इतना फेवरेट है ना, मैं रहा ही नहीं गया, इसलिए मैंने पहले ही खोल के थोड़ा सा खा लिया था। पाँक, पाँक। चलिए अभी ट्राई करते हैं डेरी मिल्क।
ये थोड़ा पिघल गया है गर्मी के लिए। चलिए खाते हैं। माय मोस्ट फेवरेट पार्ट इन दिस वीडियो इज दिस वन। ऑसम। चलिए अभी बहुत कुछ खाना है, इसे बाद में थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी। तो तो हमारा नेक्स्ट खाना है ई से, ई फॉर एग। चलिए अब खाते हैं एग। ये मैंने बॉईल करके रखा हुआ है एग, तो चलिए इसे खाते हैं। वैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली भी, मैं बहुत मतलब रोज़ ही मैं एक अंडा खाती हुई बॉईल करके, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए खाते हैं। मतलब ये अंडा खा के ना स्कूल की याद आ रहा है, जो टिफिन में मिड डे मील होता है ना अभी सभी स्कूल में देता है, तो तब वो हफ्ते में एक दिन अंडा मिलता था, तो हम लोग लाइन देख के खड़े रहते हैं अंडा खाने के लिए। सिर्फ अंडा, वो भात नहीं खाते थे हम लोग, ठीक है, भात जो और जो भी करी देता था वो लोग हम नहीं खाते थे, अंडे के लिए खाते थे। चलिए ये ख़त्म करते हैं। सॉरी गाइस, वो घर में कोई आ गया था तो दरवाज़ा बंद था, वो खोलना पड़ा। तो हमारा नेक्स्ट खाना है ईव से एग हो गया, एप से, तो एप से हम खाने वाले हैं क्रैक्स का फ्रिट्स। तो मैं दुकान में गई थी, मैंने सोचा एप से क्या खाना है, तो ये फ्रिट्स मिला मुझे, ठीक है, जो मैंने देखा इधर लिखा हुआ है फ्रिट्स, ठीक है, तो चलिए इसे खाते हैं। तो सॉरी गाइस, बार बार लोग आते हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए अभी खाते हैं फ्रिट्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, पूरा नहीं खा सकती अभी, इतना सब खाना बाकी है अभी भी। ये बड़ी अच्छी बात कही है, एफ हुआ है और भी बाकी है, तो प्लीज पूरा नहीं खा सकती, बस थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अभी लंच का टाइम हो गया, ठीक है, खाया तो नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा तो खाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं लंच करके आती हूँ, तो उसके बाद मिलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जी, जी फॉर गार्लिक। पता है थोड़ा ऑड है लेकिन क्या करूँ, कुछ मिला ही नहीं, यही हाथों के सामने था, कभी तो खाया नहीं मैंने कच्चा गार्लिक। चलिए ट्राई करते हैं। पता नहीं ये इतना छीलने में इसका बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। मुझे एक और भी मिला था जी फॉर, ये जेली, जस्ट जेली का गुआवा फ्लेवर एक जेली मिला था मुझे, ये भी मैं ट्राई करूँगी। पहले इसे थोड़ा सा खाती हूँ, खोल के रखती हूँ, पता नहीं ये कैसा टेस्ट होगा, अच्छा नहीं लगा तो ये तुरंत टक से मुँह के अंदर चला जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? वाह, इसका कलर देखो, जो वो रेड वाला गुआवा होता है ना, अंदर का रेड रेड होता है गुआवा, उसका कलर है। स्मेल भी बिल्कुल गुआवा के जैसा ही है। तो
पांक, पांक। देख लीजिए आप गुआवा फ्लेवर। चलिए ये बहुत खराब था ना, मुझे अभी भी स्मेल आ रहा है गार्लिक का। चलिए हम नेक्स्ट हमारा है एग, और एग फॉर मेरे पास है हनी। ये सफोला का हनी है, देख सकते हैं। चलिए अभी एग फॉर हनी। वैसे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सुबह सुबह आप मतलब ये गर्म पानी में घोल के खाएंगे ना तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। मैं बोलती हूँ लेकिन मैं खुद नहीं खाती हूँ। पांक, पांक। चलिए नेक्स्ट हमारा है आइस। तो आइस मेरे पास मतलब कुछ मिला नहीं मुझे, मैंने क्या खाऊं मैं समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट मैंने सोचा था कि आइस इनो होता है, बट मैं जब दुकान में गई मतलब इनो में लेके भी आई, लेकिन मैंने देखा नहीं कि इसके ये ई से स्टार्ट होता है। लाइक पूरा वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। सो देन अभी क्या कर सकती हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा तो इसीलिए मैंने फ्रिज में आइस जमने के लिए रखा है, तो वो लेके आते हैं। चलिए ये मैं आइस लेके आ गई हूँ, अब खाते हैं आइस। ठंडा है बहुत ज़्यादा। निकल नहीं रहा है, देखिए कटोरे पे मैंने बर्फ जमाया था। मेरे जैसे पागल लोग ट्राई करते, देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए पांक, पांक। और नहीं कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाँ क्या करती हूँ मैं यार, चलिए नेक्स्ट है जे, जे फॉर यही मिला मुझे जलजीरा। इसी को खाते हैं, कभी कभी हम मिला के खाते हैं, ठीक है पानी में मिला के खाते हैं लेके, लेकिन आज ऐसे ही खाना पड़ेगा। हो गया। ये ना बहुत ज्यादा खट्टा होता है। बहुत ही खट्टा है। सभी चीज में और नहीं खा जाए, और नहीं खा जाए तो पूरा मैंने क्या खाया? नहीं मैंने बनाना खाया था पूरा, है कि नहीं बताओ। हमारे पास के फॉर कैजू मतलब काजू। चलिए हम खाते हैं काजू। मेरे ड्राई फ्रूट के बॉक्स से थोड़ा काजू निकाल लेते हैं। ये हमारा काजू, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या चीज है एल, एल फॉर लॉलीपॉप। बचपन में बहुत खाते थे, मैं अभी भी खाती हूँ कभी कभी।
पांक पांक। गर्मी लगता है, टेरेस पे जाती हूँ हवा खाने के लिए, तो साथ में एक लॉलीपॉप भी लेके जाती हूँ। बैठ के मैं खाती हूँ और फोन पे ही देखती हूँ। तो अभी भी मैं ये खाती हूँ, नहीं कि नहीं बचपन में खाती थी, अभी नहीं खाती, खाती हूँ कभी कभी। तो आप लोग खाते हैं कि नहीं अभी भी, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी खाते हैं। इसका पैकेजिंग ना बहुत टाइट है, खुल ही नहीं रहा है मुझसे। हो गया ओपन। ग्रीन कलर का है, देखिए स्मेल भी अच्छा है। मैम इसका स्मेल ना वो बिग बबल होता है ना चुइंगम, उसकी तरह आ रहा है स्मेल। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एम। एम फॉर मैं खाने वाली हूँ मैंगो। तो मैंगो के लिए मुझे मैंगो काट के लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं काट के लेके आती हूँ। चलिए एम फॉर मैंगो खाते हैं। मैं काट के लेके आ गई, ये रहा मैंगो। पांक पांक। गर्मी का मौसम है और ये सबसे मतलब कोलकाता में सबसे फेमस है ये मैंगो गर्मी में। तो मुझे मैंगो वो उस तरह का पसंद है, लाइक थोड़ा सा खट्टा होगा थोड़ा सा मीठा होगा। चलिए तो एम से मैंगो हो गया, अभी एन से खाना है। लिए अभी खाते हैं एन से। एन से बहुत कुछ था, जैसे लोग खाते हैं नाचोस बहुत कुछ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे नहीं मिला, मेरे आसपास दुकान में नहीं मिला मुझे नाचोस अभी तक नहीं मिला। बहुत मैंने सोचा कि क्या खाए क्या खाए, तो अभी उतना हेवी कुछ तो नहीं खा सकती, तो इसीलिए हेल्दी भी है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा एक चीज़ मैंने लेके आई हूँ, नीम लीव्स, नीम के पत्ते। आर यू सीरियस, कौन खाते ये सब? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं खाती हूँ, खाती नहीं हूँ, बस आज के लिए खाना पड़ रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ कि इतना मैं तकलीफ उठा रही हूँ, नीम के पत्ते खा रही हूँ आप लोगों के लिए। एक लाइक कर दीजिए प्लीज। चलिए अभी खाते हैं। पता नहीं मैं मर जाऊंगी कि नहीं ये खाने के बाद, जिंदा भी कि रहूंगी कि नहीं पता नहीं मुझे। अगर जिंदा रहूंगी तो आप लोगों से बात जरूर करूंगी। नहीं खाया जा रहा है मुझसे, थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ, मतलब ये खाने के बाद अगर उल्टी उल्टी आ जाए ना तो थोड़ा पानी खाऊंगी। पानी ले लिया मैंने, खोल भी लिया बोतल को। चलिए अभी खाते हैं। थोड़ा सा खा सकते हैं ना, पूरा खाना पड़ेगा क्या? नहीं थोड़ा सा खाते हैं। खाया नहीं जा रहा है मुझसे, सॉरी गाइस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये नीम के पत्ते खा के अभी भी जिंदा हूँ मैं, मरी नहीं हूँ, लेकिन खाया नहीं गया अभी। थोड़ा सा मतलब मैंने
एक बाइट लिया ना उसका, मतलब पूरा मुंह मेरा कड़वा हो गया, मतलब इतना ज्यादा कड़वा। मैंने चाहा कि मैं मतलब वो अंदर चला जाए पानी से, लेकिन वो पानी मतलब उल्टी की तरह हो गया, पानी भी निकल गया, पूरा फ्लोर पे गिर गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, क्या क्या करती हूँ मैं, खाया नहीं जाता फिर भी खाएंगे कुछ भी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार आप। ठीक है चलिए, नेक्स्ट हमारा थोड़ा अच्छा चीज है, ओसे। ओसे हम लेके आए ऑडियो। चलिए हम खाते हैं ऑडियो, नहीं पूरा पैकेट नहीं खाएंगे, मैं इतना भी भूख कर नहीं हूँ, एक खाएंगे। ओरियो, चलिए ओरियो ऐसे खाना पड़ता है ना। नेक्स्ट खाते तो हमारा नेक्स्ट है पी। पी से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। फिलहाल मैं लेके आई हूँ पॉपकॉर्न का छोटा भाई पॉपकॉर्न। बड़ा भाई भी हो सकता है, पता नहीं, जो भी भाई हो खाते हैं। चलिए दांत से फाड़ के। कुछ नहीं होगा मुझसे, कुछ भी नहीं होगा। हो गया, जब भी मैं खुद को कोसती हूँ ना तब भी हो जाता है वो चीज। चलिए खाते हैं, ये मेरा बहुत फेवरेट मतलब एक चिप्स है। चिप्स नहीं है कुछ, मतलब कुरकुरे का है पॉपकॉर्न, ये कॉर्न से ही होता है। ठीक है, और ये देखने भी बहुत डिलीशियस है। टन टन, देखिए कितना क्यूट क्यूट सा है, और ये अब जाएगा मेरे मुंह में और अब जाएगा पेट में। बांग, बांग। इसका जो एक चीजी फ्लेवर है, इधर पे लिखा है यामी चीज, चीज यामी चीज। तो चलिए और दो तीन खा ही लेते हैं। और इसका एक बेस्ट पार्ट बताऊं, ये आप ऐसे मुंह में लोगे, थोड़ी देर रखोगे ना पूरा पिघल जाए। बहुत ज्यादा बोलती हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्यू। क्यू से देखिए, मुझे क्यू से क्या खाऊ क्या खाऊ कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैं कुछ लेके आई। मैं आ गई लेके ओट्स, बिटर ओट्स। चलिए अभी ये मैं पका के नहीं खाने वाली हूँ, अभी अभी लंच करके उठी हूँ। ठीक है, इतना तो भूख है नहीं मुझे, इतना तो भूख कर हूँ नहीं है, तो सूखा ही खा लेते हैं। देखिए सूखा ऐसा लगता है, ये टूटा हुआ है। वैसे इसका टेस्ट ना मुझे वैसा लगता है कि बंगाली में खोई होता है ना, हम बोलते हैं बंगाली में खोई, उसकी तरह टेस्ट है। उतना अच्छा नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ये थोड़ा रख दो। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्विकर, तो हो गया उस। अब है आर से। आर से क्या होता है, देखिए पहले मैंने सोचा था कि मैं राइस खाऊंगी, ठीक है,
फिर मैंने सोचा कि रसना खाऊं। फिर अभी मेरे पास एक चीज है, मैं वो खाने वाली हूँ। बताइए क्या? किशमिश। अब खाते रेजिंस, मतलब किशमिश। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ये ना थोड़ा सा डार्क कलर का है और किशमिश आता है ना, देखिए हल्का होता है कलर, इसका थोड़ा डार्क है। चलिए अभी नेक्स्ट खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा का खाना क्या है हमारा? नेक्स्ट है एस, एस फॉर क्या लाई हूँ मैं, देखिए स्ट्रॉबेरी केक। देखिए स्ट्रॉबेरी केक, तो यही मिला मुझे एस फॉर स्ट्रॉबेरी केक। तो मैं इसे खोलती हूँ। मुझे स्ट्रॉबेरी मतलब फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, जो स्ट्रॉबेरी का जो मतलब फल होता है ना, फ्रूट्स होता है, वो अच्छा लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? छोटे छोटे, चलिए खाते हैं। अच्छा है। चलिए नेक्स्ट खाते हैं टी। टी फॉर टमाटर, सही पकड़े। टी फॉर टोमेटो, टोमेटो राइट। तो चलिए अभी खाते हैं टोमेटो। कच्चा ही खाना पड़ेगा, ऐसे कैसे पका के खाती हूँ। चलिए मैं काम करती हूँ, हमारा थोड़ा सा जलजीरा मैं डाल लेती हूँ। हो नहीं रहा है। छिलका आ गया मुंह में। चलिए ये थोड़ा इसमें डाल लेते हैं। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कच्चा टोमेटो, मेल से उल्टी आता है मुझे। चलिए अभी नेक्स्ट खाते हैं। यू, यू फॉर यूनिबिक। मेरे पास कुकीज है यूनिबिक, चलिए खाते हैं। अभी खाते हैं यूनिबिक। ये रहा मेरा यूनिबिक चॉकलेट कुकी। जो चॉकलेट है ना ये मुंह में आ रहा है, मतलब ये चोको चिप जो होता है इसके अंदर बहुत अच्छी है। मेरा ना मतलब इतना कुछ खाया ना, अभी मीठा खाने से मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो यूनिबिक हो गया। अभी हमारा है वी, वी से सच्चे सच्चे से बहुत ही तकलीफ से वनीला एसेंस। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। वनीला एसेंस, वैसे तो मैं वनीला केक भी खा सकती थी, लेकिन अभी स्ट्रॉबेरी केक आया, फिर वनीला केक, फिर तो मतलब दो दिन तक मुझे खाना ही नहीं खाना पड़ता। तो इसीलिए मैं एसेंस खाऊंगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खुशबू बहुत खूबसूरत है, टेस्ट पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा इमली में लेके खाते हैं। Ha 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 ha!
टेस्ट है। जल रहा था मुंह में। मतलब इतना घटिया घटिया खाना आइडियाज मेरे ही दिमाग में आते हैं। सारे लोग देखो कितने सारे चैलेंजेस हुए, इतने अच्छे अच्छे खाना ढूंढ के लाए और मैं वनीला एसेंस कौन लाता है भाई। चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करके आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है डब्लू। डब्लू से मेरे पास बहुत ही अच्छा एक चीज़ है, बताओ क्या? वेफर्स। ये मुझे बहुत पसंद है, बचपन में भी बहुत अच्छा लगता था और अभी भी मेरा फेवरेट। चलिए इसको खाते, देखिए कितना बड़ा है ये। 40% ज़्यादा दे दिया मुझे। आप भी एक लाइक कर दीजिए प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? चलिए खाते हैं। ये ना टूट गया है, देखो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया है। चलिए खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग। बट सीरियसली बताऊं, एग से मुझे कोई भी खाने का ढंग का खाने का चीज़ नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। ठीक है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ढूंढा, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे मिला नहीं है एग्स का। तो अगर आपके पास कोई खाना है एग्स का तो आपको पता है कि एग्स से स्टार्ट होता है कोई भी फूड, तो मुझे वो कमेंट कर देना। मेरा अगला जो वीडियो आएगा मैं उसके साथ वो वाला पार्ट ऐड कर दूँगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट खाते हैं वाइस से। वाइस से है यक, इसको बोलते हैं वो अंडे का जो अंदर होता है ना येलो कलर का। चलिए हो गया हमारा खाना। लास्ट जेड, ये भी एक है जो मुझे कहीं नहीं मिला। जेड से कोई भी खाना नहीं मिला मुझे, बहुत ढूंढा मैंने। ठीक है, तो इसका भी अगर कोई भी खाना आपके दिमाग में है कि जेड से स्टार्ट होता है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है, वो खाने के लिए वो कुछ तरीका है भीख मांगने का ढूंढने के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसके साथ में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो हो गया मेरा ए से जेड तक का पूरा चैलेंज। तो कैसे लगा ये वीडियो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इतना मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया है तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए तो बाय, लव यू ऑल।